अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज एक कमर्शियल में जो लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उनके लिए एक देख लें, बहुत सारे ऐसे कमर्शियल्स होते हैं जो 10-10 साल किराए पे नहीं लगते, लेकिन चीज़ को ऐसा दिखा के पोर्ट्रे करके तस्वीरों में वीडियोस में शोशा करके दिखा दिया जाता है कि बंदा समझता है पता नहीं बस कहीं दुबई में मैंने दुकान ख़रीद ली, लेकिन रियल में वो ऐसे होती हैं जिस तरह ये आज आपको दिखा रहा हूँ। अब ये बहुत सारी दुकानें हैं, ये 300-400 स्क्वायर फीट की, लेकिन क्या है कि इसमें ये रेंट पे नहीं लग रही हैं दुकानें, आप देख रहे हैं। अब इस किस्म की बहुत सारी दुकानें हैं, हर जगह पे होती हैं, इसलिए आप कोशिश क्या करें जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप देखा करें कि आया आसपास दुकानें रेंट पे लगी हुई हैं, आसपास को आबादी है, आसपास है, ये पता लगे सहरा में दुकान और आपको वीडियोज़ में पोर्ट्रे किया जा रहा हो कि जी ये दुबई के डाउन टाउन में है, या ये जी कहीं पाम जुमेरा में आप दुकान ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता, या बुर्जुल अरब में आपने दुकान ख़रीद ली है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी ऐसी दुकानें आप देख सकते हैं, ये सारी आगे ये खाली पड़ी हुई हैं। तो हमेशा वाइज इन्वेस्टमेंट करें, सोच समझ के कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि छोटी इन्वेस्टमेंट होती नहीं है, कम अज़ कम 1.5-2 करोड़ की दुकान होती है। तो फिर जब वेले बंदा बैठ रहा है तो उससे अच्छा होता है बंदा को रक्षा ले ले और रक्षा किराए पर दे दे तो अच्छी दिहाड़ी 10-15 हज़ार रुपये महीना आ जाता है, या करीम के लिए गाड़ी दे लेके उसको दे दे, मिसाल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, या उससे अच्छा आप कोई छोटा सा अपार्टमेंट लेके रेंट पे दे देते। तो ये जी आज की सारी बातें, इस पर आप अमल किया करें। ये मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ, आपको जितनी बातें बता रहा होता हूँ ये सारी रियलिटी बेस्ड होती हैं, मतलब आप समझोगे पता नहीं अगला डरा रहा है, ये रियल में है। ये आप मेरे साथ आएंगे, मैं आपको ऐसी 10,000 दुकानें दिखा दूंगा जो लोगों ने 2-2-3-3 करोड़ में लिए लेकिन दुकान रेंट पे नहीं लगती, इवन 5,000 पे रेंट पे नहीं लगती। इसमें से इसी तरह आप लोग जितनी मैक्सिमम दुकानें ले रहे हैं, आप में से जितने भाई मैक्सिमम आजकल जो मैं देख रहा हूँ, ना मैं रोक सकता हूँ ना मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं बस आप लोग को आगाह कर सकता हूँ कि आप लोग अपना ख्याल रखें। अब जितने भी मैक्सिमम भी आजकल 70% जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं वो सब फ्लॉप प्रोजेक्ट हैं, उसमें कोई दुकान रेंट वगैरह पे नहीं लगेगी। वो मैं आपको दिखा दूंगा, जिस तरह ये आज चीज आपको दिखा रहा हूँ, 2-3 साल बाद प्रोजेक्ट्स बनेंगे आपको दिखा दूंगा। इसलिए आप इन्वेस्टमेंट दुकान खरीदने से पहले अपनी पूरी तहकीक क्या करें और विजिट किया करें, देखा करें आसपास कितनी दुकानें किराए पर लगी हुई हैं, क्योंकि आपके दुकान में कौन सी दूध की नहर तो बहनी नहीं है, ठीक है, कोई शहद की नहरें तो होनी नहीं है कि वो किराए पे लग जाएगी। तो आपने देखना कि अगर आसपास वेसिनिटी में किराए पे कोई चीज लग रही है तो ठीक है, अगर नहीं लग रही तो इसका मतलब है कि वो इलाका फ्लॉप है, ठीक है। और मजीद प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी नामा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको नॉलेज का नौ होता रहे और आपका करोड़ों रुपया डूबने से बच जाए। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।